नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। शहर के हृदय स्थली पर स्थित रेलवे द्वारा संचालित शताब्दी पार्क है, जिसे रेल प्रशासन ने शिशु उद्यान का नाम दिया है। शताब्दी पार्क का निर्माण भी इसी ख्याल से हुआ था कि शहर व आसपास के परिवार वाले अपने बच्चों को लेकर यहाँ आएंगे और उन्हें खुशनुमा व स्वच्छ माहौल का अनुभव करवाएंगे। किंतु वर्तमान में शताब्दी पार्क शिशु उद्यान की जगह लवर्स पॉइंट व कूड़ेदान में तब्दील होता दिख रहा है, जहाँ चारों ओर कूड़ा कचरा और अश्लील हरकत करते प्रेमी जोड़े दिखेंगे। इस संदर्भ में आसनसोल की अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था पीस इंडिया के संस्थापक चेयरमैन फिरोज खान और अध्यक्ष प्रदीप प्रसाद ने बताया कि शताब्दी पार्क को लेकर उनके समक्ष अनेकों शिकायतें आई है। शिकायत में कहा गया है कि उप पार्क अब प्रेमी जोड़ों का अड्डा बन गया और उनकी अश्लील हरकतों के कारण सभ्य लोगों और परिवारों का पार्क में आना जाना भी दूभर हो गया। श्री खान ने कहा कि लोगों की शिकायत पर ही आज पीस इंडिया की टीम शताब्दी पार्क पहुंची, जहां टीम ने देखा कि हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है, वहीं प्रेमी जोड़े अधिक गंदगी फैला रहे हैं, जिनके कारण सिर्फ पार्क का माहौल ही खराब नहीं हो रहा है बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि उप पार्क का संचालन आसनसोल रेल मंडल प्रशासन करता है और पार्क में आरपीएफ के जवानों की तैनाती भी रहती है। इसके बावजूद प्रेमी जोड़े अश्लील हरकत करते हैं और चारों ओर गंदगी फैली रहती है। पीस इंडिया टीम ने कहा कि इसकी शिकायत रेल प्रशासन और रेल मंत्रालय को भी की जाएगी, ताकि आसनसोल वासियों को एक स्वच्छ और सभ्य माहौल मिल सके। ये बताइए, मैडम आप कहाँ से आए? दुर्गा से। क्या नाम है मैम आपका? दर्शन पटेल। थैंक यू। हम लोग जैसे जैसे क्रॉस हो रहे हैं, हम लोगों को खराब लग रहा है। हर तरफ पतन, एक अजीब सा सिचुएशन में बैठे हुए हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं, हम लोग उसको दिखा नहीं पाएंगे। मगर कल जगह यहाँ पर ओपनली हो रहा है, ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि ऐसा सिचुएशन क्यों हो रहा है। पूरे पार्क में गंदगी और कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। देखिए, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे और टिकट में चार्जेस भी चार्जेस लिया जाएगा। टिकट में 10 रुपये चार्जेस है, टिकट के पार्किंग के अलग चार्जेस है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे तैनात कर दिया है कि देखभाल करेंगे। देखभाल आप लोग देख सकते हैं किस तरह से, ये साइड में यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, इधर ये यहाँ पे एक सीन है, यहाँ पे जैसा कि पार्थिव भाई ने बताया कि यहाँ के दो तरह के गंदगी दिखाई दे रही है। एक तो कचरे की गंदगी है, एक बाकी जो हाल की जो गंदगी है वो आप देख सकते हैं। पत्नी आप पार्क में खड़े समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग खड़े क्या, ये वही एरिया है जहाँ पर नाम बना है वहाँ पे खुले में एक्स्ट्रा ज्यादा खर्च नहीं पाया। ये तो तरह देखते हैं आप,
बनाया गया है और यहाँ पे ठंड के मौसम में अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि यहाँ पे इंजॉय करेंगे, सब कुछ है। पिछले मॉर्निंग वो सब इन लोगों के खुशी के लिए बनाया गया था, मगर सारे लोग यहाँ आने के बाद सिर्फ निराश होते हैं किस जगह में आ गए, किस माहौल में आ गए हैं। ये आज हम लोग शताब्दी शिशु उद्यान आए हुए हैं। सभी लोगों को मालूम है ये आसनसोल का एक मशहूर पार्क है जो बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है। ये पार्क काफ़ी दिनों तक बंद था, फिर इसको सभी लोगों ने मिलकर साफ सफाई की है, जिसमें हमारा पीस इंडिया इंटरनेशनल एनजीओ का काफ़ी सहयोग था। शुरुआती दौर में हम लोगों ने अपनी टीम को लेकर काफ़ी साफ सफाई की है। रेलवे का कोशिश और सारे मेहनत और एक बड़े फंड के जरिए यहाँ पे सारे कुछ काम स्टार्ट हुआ है, एक इसको सुंदर पार्क बनाया गया। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे हम लोगों के एनजीओ में पेरेंट्स लोग आकर कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है बच्चों के लिए अब आना मुनासिब नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ कपल आते हैं और ऐसे ऐसे सिचुएशन में कपल लोग रहते हैं कि बच्चों लोगों को लेकर आना काफ़ी मुश्किल हो गया है। सबसे जो बड़ा दुख का बात यह चीज़ है कि यहाँ पे RPF भी रहते हैं, मगर फिर भी उनके मौजूदगी में भी लोग ओपनली कपल लोग आते हैं, ओपनली ऐसे सिचुएशन में सारे लोग रहते हैं कि बच्चे और पेरेंट्स के आने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि पार्क में ये तो हो ही रहा है जैसा कि फिरोज भाई ने बताया। इसके अलावा आप लोग देखेंगे ये मेरे पास ही गंदगी का भरमार पड़ा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी करता धरता है, मेंटेनेंस जो भी देखते हैं, उनका जो जिम्मेवारी बनता है और जो लोग पार्क में आते हैं उनका जिम्मेवारी बनता है। तो देख रेख जिसका भी हो उसका गाइडलाइन को फॉलो करना करवाना, जिसके लिए RPF भी रखा गया है, उन लोग भी अनदेखी करते हैं। और गंदगी आज इतना भरा हुआ है, गंदगी पार्क में दो तरह का गंदगी है, एक तो गंदगी जो दिख रहा है, इसके अलावा बहुत सारे हमारे आसपास अभी भी ऐसे सिचुएशन में कपल लोग हैं जो हम दिखा नहीं पा रहे वीडियो में, लेकिन बहुत ही गंदा माहौल रहता है यहाँ। एक बच्चों के लिए ये पार्क खास करके बनाया गया था, शिशु उद्यान नाम भी है आप लोग जानते हैं, लेकिन शिशु का कोई माने नहीं रह गया है। हम लोग कभी भी चाहते हैं कि बच्चों को लेके आए, लेकिन नहीं लेके आ पाते हैं।